हेलो दोस्तों, तो जैसा कि बालवीर 3 सिर्फ वीकेंड पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा, इसको लेकर जो भी डाउट थे आपके या फिर जो भी सवाल थे उसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया था। लेकिन काफी सारे लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि बालवीर 3 को वीकेंड पर टेलीकास्ट किया जा रहा है आईपीएल के कारण, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि देव जोशी जो चांद पे जाने वाले थे उस कारण से सिर्फ वीकेंड पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो आखिर इन बातों में कितनी है सच्चाई और क्या थी असली वजह, जानिए आप खुद देव जोशी से। जी हां, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में देव जोशी यानी कि बालवीर आपको खुद इस बारे में बताने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देव जोशी की बात आगे सुनिएगा, उससे पहले आप हमारी बात सुनिए। हमारी माने तो मून ट्रिप हो गया या फिर आईपीएल हो, इस सब का बालवीर 3 से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आईपीएल की बात करें तो अगर आईपीएल के कारण ही बालवीर 3 को वीकेंड पर लाया जा रहा है तो इससे अच्छा तो बालवीर 3 को पोस्टपोन ही कर देते। आईपीएल के खत्म होने के बाद भी बालवीर 3 को रिलीज किया जा सकता था। अब आप इसके ढेर सारे रीजन देंगे क्यों बालवीर 3 को आईपीएल के बाद लॉन्च नहीं किया जा सकता था, तो हमें इस पे कोई बहस नहीं करनी। देखिए, वीकेंड पे बालवीर 3 7 बजे लॉन्च हो रहा है और कई सारे फैंस से हमें ये पता चला कि आईपीएल 7:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है। सो उनका ये कहना है कि काफी सही टाइमिंग है, बालवीर और आईपीएल दोनों देख सकते हैं। लेकिन अगर 1 घंटे की एपिसोड आएगी तो आधे घंटा का एपिसोड आपका छूट जाएगा। लेकिन अगर सेम टाइमिंग पर यानी कि 7 बजे ही वीक डेज में अगर बालवीर 3 को लाया जाता तो ऑब्वियसली आधे घंटा के एपिसोड आता तो एपिसोड्स में आपका 1 मिनट का सीन भी नहीं छूटता। अब आप खुद सोचिए कि इस टाइमिंग पे आईपीएल के कारण वीकडे सुटेबल होता या वीकेंड सुटेबल होता। ऑफ कोर्स वीकडे सुटेबल होता, लेकिन फिर भी वीकेंड पे लाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि आईपीएल के कारण ये सब नहीं किया गया है। और रही बात देव जोशी के मून ट्रिप की, तो पहली बात तो ये कि उनका मून ट्रिप अभी नहीं होने वाला है। और लाइव में भी जिस सब ने देव से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, उन्होंने बस इतना कहा कि 2023 में ये शेड्यूल्ड है और जब ये होगा उसके लिए एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि अभी मून ट्रिप ना हो लेकिन ट्रेनिंग पर्पज के लिए देव जोशी शूटिंग न कर पाए, वो ट्रेनिंग में चले जाए, तब क्या हुआ? क्या देव के बिना शूटिंग नहीं होगी? होगी, तब भी शूटिंग होगी। इसका मतलब यह है कि कभी न कभी समय का ऐसा बिंदु आएगा जब देव के बिना शूटिंग होगी, एपिसोड में भी देव जोशी या तो ना दिखेंगे या फिर बहुत कम दिखेंगे। कम दिखने से मतलब यह है कि कुछ समय के लिए देव जोशी का छोटा मोटा सीन दिखा दी जाए कैमियो जैसा, जो एक्स्ट्रा शूटिंग पहले ही कर ली गई होगी देव जोशी की, या फिर कर ली जाएगी देव जोशी के जाने से पहले। लेकिन अगर ऐसा ना भी किया जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बालवीर का एग्जांपल दें तो बालवीर टेंस में एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें बालवीर पत्थर का बन जाता है और कुछ एपिसोड्स के लिए बालवीर पत्थर का ही बना रहता है और विवान पे फोकस किया जाता है। सो ऐसा भी किया जा सकता है किसी और कैरेक्टर पे फोकस करके, या फिर बालवीर का कोई दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, जैसे कि बालवीर टेंस में नकापोस आया था। हाँ, नकापोस का रोल देव जोशी ने किया था, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है जिसमें बालवीर का बॉडी डबल का यूज किया जाए और सस्पेंस बनाया जा सकता है। जैसे अलीबाबा सीरियल में जब अलीबाबा नहीं थे तब वो फरिश्ता बन के आया था जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। इसीलिए डियर मून प्रोजेक्ट कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है ऐसा सब करने का। हाँ, हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो, लेकिन ये एक मेन रीजन नहीं है। तो आखिर क्या है मेन रीजन, आप सुनिए खुद देव जोशी से। इट्स लाइक अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि जब इतना ज्यादा हैवी वीएफएक्स होता है, सो आप वीकली भी 2 एपिसोड्स टेलीकास्ट करने होते हैं, सो डेडलाइंस होती है, फिर उसे अप्रूव कराना होता है, सो देयर इज अ होल प्रोसेस बिहाइंड एवरी एपिसोड टू बी रिलीज्ड। तो काफी मींस हम तो 2-3 महीने से शूट कर रहे हैं, सो तब जाके इतने एपिसोड्स रेडी हुए। सो लाइक इट्स गुड कि सैटरडे संडे आ रहा है एंड अच्छे क्वालिटी एपिसोड्स आपको मिले, यही हमारी इच्छा है। सो कंटेंट भी जो हो प्रॉपर हो, प्योर हो, इसलिए हमने सोचा कि पहले सैटरडे संडे से शुरुआत करते हैं और हफ्ते में 2 दिन सोनी सब पे तो सैटरडे संडे आएगा, लेकिन सोनी लिव पे तो आप कभी भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि देव का ये कहना है कि इस बार VFX और ग्राफिक्स का लेवल को काफी ज्यादा हाई किया गया, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि 1 वीक का टाइम मिल रहा है, तो इस बार टीम जो है VFX टीम जो है काफी अच्छी VFX डाल सकते हैं, काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। और साथ साथ देव ने ये भी कहा कि ये काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है शूट करना, उसे बनाना, चैनल से अप्रूव कराना, फिर रिलीज कराना, जो कहीं ना कहीं एपिसोड की क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। इसलिए अभी वीकेंड पे लाया जा रहा है जिससे दर्शकों को अच्छे क्वालिटी के एपिसोड मिले। बाकी सब पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर हो सके तो हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, आईडी है A to Z Version और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं और मिलते फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।